हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो ये है कि अगर जैसे ही कोई स्टूडेंट आते हैं, वो यूके में आने के बाद काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना है, उसमें एक चीज़ बहुत भूल जाते हैं, जैसे कि छुट्टियां होती हैं, तो उसमें एक काम ये वाला लाजमी कर लें, वो ये है कि आप शेंजन वीज़ा लाजमी अप्लाई करें। शेंजन वीज़ा से क्या होगा कि आपकी एक तो हिस्ट्री बन जाएगी, सेकेंड ये कि आप जो है पहले पाकिस्तान के पासपोर्ट पर पहले यूके का वीज़ा लगा होगा, फिर आप उसके ऊपर जब शेंजन वीज़ा भी लगवा देंगे तो आपका थोड़ा सा पासपोर्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं और इतनी कोई फीस भी नहीं है। आप 250 या 300 पाउंड के अंदर आपका एक विजिट भी हो जाता है और वापस भी आप आ जाते हैं। तो उसमें आपकी फ़ीस जो है, जो टिकट है वो 15 पाउंड है और वीज़े के आपके कोई 50 से 60 पाउंड लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इतने सारी डिटेल जो है यूट्यूब के ऊपर भी है, गूगल पे भी ऊपर भी है, सब कुछ ईजी प्रोसेस है, सारा खुद से किया जा सकता है, कोई एजेंट को भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, शेंजन अगर आप लगवा लेते हैं तो आप कल को अगर किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी पहले हिस्ट्री एक बनी होगी, तो उससे आपको ये बेनिफिट एज मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो स्टूडेंट जब आप होते हैं तो उसके में आपको छुट्टियां होती हैं, तो आप उसमें वीज़ा मिलने का रेशियो भी बहुत ज़्यादा होती है, चांस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप होते हैं स्टूडेंट और स्टूडेंट के में आपको टर्म यूनिवर्सिटी जो है लेटर दे देती है कि आपको अभी छुट्टियाँ, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, स्टूडेंट रह के आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं इस चीज़ का भी। फर्स्ट टाइम शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्वे का करते हैं, तो आपको वो जिस ड्यूरेशन के लिए आप करते हैं तो वो फर्स्ट टाइम आपको 1 मंथ का देते हैं, बाद में वो 3 मंथ का देते हैं, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। तो आपने जैसे नॉर्वे के लिए अप्लाई करते हैं, आप 1 या 2 दिन के लिए जाएँ, एंट्री करें, एग्जिट करें, ताकि एक रिकॉर्ड में हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। और शेंजन वीज़े के जो डेज़ हैं, मतलब 15 से 18 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा भी आ जाता है, तो इतना कोई लॉन्ग लेंथी प्रोसेस भी नहीं है कि वीज़ा आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, आपका यूके का BRP होता है, उसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, और एक टिकट लगाना होता है, वो भी आपने बुक नहीं करना होता, पे नहीं करना होता, सिर्फ रिजर्व करनी होती है सीट। बेसिकली आपने अपना एक प्लान शो करना होता है, और साथ में एक कवर लेटर चाहिए होता है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, और अगर आपको वहाँ से कोई इन्वाइट कर देता है तो फिर वो तो एक वेल एंड गुड है, इसमें आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं रहता। तो आप अगर कोई जाने वाला है तो उससे स्पॉन्सर लेटर भी लिखवा लें, बस यही लिखें उसमें कवर लेटर के में, जैसे लिखते हैं कि हम इसलिए जाना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके ताकि थोड़ा सा ट्रैवल कर सकें, वहाँ पे जाके वहाँ के नॉर्वे की जो फेमस प्लेसेस हैं उनको विजिट कर सकें, या इस तरह की बातें आपने लिख लेनी है, और मुझे छुट्टियाँ हुई हैं तो इसलिए मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरे रिलेटिव हैं वहाँ पर हैं, जो भी है इस तरह, ठीक है। और साथ में आपको अगर आपके कोई जानने वाले रह रहे हैं तो उनसे आपने स्पॉन्सर लेटर ले लेना है, और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए उनका एड्रेस और उनका पासपोर्ट और उनका वहाँ का रेजिडेंट परमिट भी होना चाहिए, सारा कुछ, ठीक है, साथ अटैच करना है आपने। और अगर आप यूके में हैं तो यूके में आप लंदन में वैसे ही जा सकते हैं, या बर्मिंगम में या मैनचेस्टर में वैसे हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने, अगर आपको कोई जानने वाला यूरोपियन कंट्री में नहीं है, तो आपने साथ में फिर होटल की बुकिंग लाजमी करनी है, वो भी आपने ईज़िली फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग कर सकते हैं, सिर्फ शो करवाने के लिए कि आपके पास ये अकोमोडेशन है, वहाँ पे जाकर रहेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट रह के आप ये अपॉर्चुनिटी लाजमी अवेल करें, तो ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।